और ये बन चुका है यहाँ पे बैटर, गुलगुले का बैटर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। दोस्तों, हमारा आज बन रहा है गुलगुला, जो कि हमें मंदिर में ले जाना है चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज माँ बाला सुंदरी के मंदिर में पूरे सुद्धो वाला गांव का 36वां भंडारा है, जो कि आज है, और हमें ले जाना है वहाँ गुलगुला प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं थक चुका हूँ और अब यहाँ पर दूसरा लेवल लग चुका है। अरे देखे, सब मैंने कर दिया, लाड में एक थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, उसको कर रहे हैं ये जताने के लिए कि हाँ, ये अब बुआ को बताने के लिए कि मैं नहीं कर दूँ। हाँ, अरे आटो गली और ये बन चुका है यहाँ पे बैटर, गुलगुले का बैटर। ये गुलगुले बनना हो गए हैं तैयार, कुछ कुछ बन भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। अब गोल नहीं बन रहे, टेढ़े मेढ़े बन रहे हो। वाई में स्वाद छे रहे टेढ़े अब बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े ही होंगे ना, फूल ही चलो। जब अगर मैं गुस्सा ही बनाऊंगा ना, तो गोल अपना आप ही ऑटोमेटिक फूल जाएगा, तो दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा खरोल लगेगा गोल पे उतना ज़्यादा। तो अब मिलेगा हम ठीक तुमको मंदिर में। जब तक ये बन के तैयार होते हैं, तब तक अलविदा। दोस्तों, गुलगुले बन के हो गए हैं तैयार। मैं प्रसाद चूल्हे में चढ़ाने के लिए पहले कर रही हूँ गैस की पूजा। दोस्तों, मंदिर जाना है तो फूल तो चाहिए होंगे, इसलिए फूल भी तोड़ लेते हैं। हम मंदिर जाने के लिए हो गए हैं तैयार, अब आपको मिलते हैं मंदिर। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। दोस्तों, हम मंदिर पहुंच चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि हम वहां प्रसाद दे सके। मम्मी लोग बताया करते हैं, पहले ये मंदिर इतना छोटा सा ही था, ये बाहर से कुछ भी नहीं हो रखा था, मतलब ये प्लेन इतना ही दिखता था पहले। सीधे जैसे हम मंदिर में एंटर करते थे तो पेड़ पेड़ रहते थे, और ये इतना सा आगे से ये दिखता था। उसके बाद बारी आई भोलेनाथ को जल चढ़ाने की, और हम सभी ने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। यहाँ सीढ़ियों से नीचे काली माता का मंदिर है, जहाँ पे कि नारियल वगैरह फोड़ के प्रसाद के रूप में नारियल दिया जाता है, नारियल यहीं पे फोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे चल रहा था हवन। ये आंटी यहाँ पे बता रही थी कि सुद्धोवाला की तरफ से ये 36वां भंडारा किया जा रहा है, और ये हर साल होता है, और ये साल का सबसे बड़ा भंडारा होता है। तो ये हमें ब्लेस दे रही थी सारे सुद्धोवाला वाले लोगों को, और इनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे बाद में रिकॉर्ड करके बोलना पड़ा। यहाँ पर सभी कन्याओं को जिमाया जा रहा था, वो भंडारे में जितनी भी कन्याएं खाना खाने आई थी, सभी को यहाँ पे जिमाया।
आप देख सकते हो भंडारे में कितनी भीड़ थी, ये तो कुछ भी नहीं थी, इतने खा रहे थे, उठ रहे थे, जा रहे थे, इतने ही खा रहे थे, उठ रहे थे, जा रहे थे। लास्ट में खाने की बारी आई हमारी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।